श्री गणेश नमः। तंत्र बंधन या बहुत ही भयानक होते हैं और एक बार किसी इंसान के शरीर में तंत्र बंधन हो जाता है तो वर्ल्ड का कोई भी साधु संत मोला मौलवी पंडित पुजारी वह परिवार को खोल नहीं सकता। तंत्र बंधन से रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने दुर्गा सप्तशती में अनेक रहस्य बतलाए हैं। तंत्र बंधन किसी के ऊपर हो जाता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता, घर कलह शुरुआत हो जाता है, बच्चे नहीं होते, धन का कमी लगे रहता है, बेटा बेटी कहना नहीं मानते। तो वह सब तंत्र बंधन का जो सामग्री रहता है वह कहीं न कहीं मिट्टी के नीचे दबाया जाता है, तो वह तंत्र सामग्री तक पहुंचना संभव नहीं है। अगर पहुंच भी जाता है कोई तो उसको खोलना संभव नहीं, उसे ब्लास्ट किया जाता है। मान लो आप ब्लास्ट कर भी देते हैं तो उसी रात को ही उस ब्लास्ट में जो राक्षसी शक्ति छुपे रहते हैं वह आपको रात को आके खत्म कर देंगे। आज वर्ल्ड के अंदर 90% लोग तंत्र बंधन से बंधे हुए हैं और यही कारण से ज्यादातर आप लोगों को देखिएगा घुटना में दर्द, कमर में दर्द या पेट में दर्द। तो यह सब तंत्र बंधन का खेल है। कुछ व्यक्ति मुझे पूछते हैं कि हमें किसने तंत्र से बांधा है। आपको किसी ने तंत्र से नहीं बांधा है, आपके 10,000 वर्ष पूर्वज के ऊपर जो तंत्र था वह तंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। या आप जिस गांव जिस शहर में रहते हो वह पूरा गांव का जमीन तंत्र से बंधा हुआ है। आपके गांव में अगर कोई पहाड़ अगर है तो आप ये सोच लीजिएगा उस पहाड़ के अंदर राक्षसी शक्तियों का बसेरा है। तो यह सब आप जब दुर्गा सप्तशती सिद्ध करने के लिए कोशिश करोगे तब आपको मालूम चलेगा। तंत्र यह एक जहर रहता है, वह जहर इंसान के शरीर को कमजोर कर देगा और बीमारी में डाल देगा। आपके मानव के शरीर में 7 चक्र हैं, तंत्र का प्रवेश होता है मूलाधार चक्र से, जो कि पीठ के पीछे से मूलाधार चक्र, वहां से प्रवेश हो जाएंगे। हमारे 84 लाख जो योनियां हैं उनके अंदर हम मानव रहते हैं, उनमें बहुत खतरनाक योनियां हैं जो कि अदृश्य हैं। तो 2-3 तो इतने खतरनाक होते हैं, जैसे कि एक योनी है इच्छाधारी नाग और नागिन जो कि अदृश्य आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे, और एक है बिच्छू, और इसके बाद राक्षसी शक्तियां आप लोगों को क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि मां के गर्भ से ही बच्चों के आंख को बांध दिया जाता जब मां के गर्भ में। यही कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने कहा 16 संस्कार में से प्रथम संस्कार गर्भ संस्कार करवाए, और यह गर्भ संस्कार यह यज्ञ के माध्यम से होते हैं और मां कामरूप कामाख्या देवी आसाम गुवाहाटी में होते हैं। पति पत्नी विवाह के बंधन में जब बैठते हैं तो इच्छाधारी नाग और नागिन 7 फेरे में बंध जाते हैं, तब भी इंसान जीवन भर दुख भोगता है। किस्मत नाम का कोई चीज नहीं है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको मां के गर्भ से ही मृत्यु तक बांध दिया गया है। तो गर्भ संस्कार करवाना जरूरी है। आप बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, तो दुर्गा पूजा जब नवरात्रि आता है तो वहां अनुष्ठान होते हैं,
वहां आप जाइए, पेट दर्द दे रहा है तो वहां का अग्नि का सेक दीजिए, चेहरे को सेक दीजिए, वहां अपने परिवार का नाम उच्चारण करवाएं। दुर्गा सप्तशती ये शनिवार को सिद्ध होते हैं। दुर्गा जो सप्तशती है इसे कल्प वृक्ष कहा गया है। तो तंत्र से धन जिसको परेशानी है या बीमारी, अब तंत्र से बंधन है। बेटा बेटी बात नहीं मान रहे, गर्भ संस्कार आपने नहीं करवाया। मेरा नाम सुनील अग्रवाल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्र दुर्गा सप्तशती का ट्रेनिंग देता हूं और यह मुझे 2001 को मेरे ईमानदारी के कारण मुझे सिद्धि प्राप्त है। सिद्धि कोई श्रद्धा भक्ति से प्राप्त नहीं होता, पैदल चल के प्राप्त नहीं होता, उपवास से प्राप्त नहीं होता। यह दुर्गा सप्तशती इसमें अनेक लोक होते हैं, चेन होते हैं, वह सबको मुझे खोलने में, मैंने सीखने खोलने में 5 वर्ष लगे। मैंने किसी इंसान को गुरु नहीं बनाया, डायरेक्ट दुर्गा देवी से मैंने ट्रेनिंग लिया है। तो कम उम्र था, 2001 से पहले 96 दुर्गा माँ मूर्ति से निकल कर मुझे ट्रेनिंग देने लगी, क्योंकि मैं 6 वर्ष वह मंदिर में था। तो हमने अनेक बार कहा कि दुर्गा देवी के मंदिरों में जो नवरात्र अनुष्ठान हो रहे हैं वह सब भूल भाड़ हो रहे हैं। हमने देखा जैसे दुर्गा सप्तशती पृष्ठ नंबर 15, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्रां क्लीम चंडिका दिव्य सापनासान ग्रहण कुरु कुरु स्वाहा। इसका अर्थ ये नहीं कि श्राप से ये मुक्त हो जाए, इसका अर्थ ये नहीं है। दुर्गा सप्तशती आप घर में जैसे भी करवाएं, अपने बिजनेस स्थान में जैसे भी करवाएं चल जाएगा, लेकिन किसी मंदिर में अगर करवाते हैं, यह जो है अग्नि तत्व है, इसका पाठ नहीं होता, ओनली हवन। तो हवन में जैसे कि पहले जैसे अग्नि जहां प्रज्वलित होगा कुंड में, वहां एक स्वास्तिक बनेंगे त्रिशूल, और पहले बगड़ामुखी मंत्र से वह अग्नि को अभिमंत्रित किया जाएगा येलो मास्टर से। येलो मास्टर से सभी मंत्र सिद्ध होते हैं। फिर नवग्रह, गायत्री, माँ कामरूप कामाख्या देवी, विष्णु यज्ञ, रुद्राभिषेक, नमक चमक, माँ बगड़ामुखी, दुर्गा सप्तशती, यह सब मंत्र का आहुति दिए जाते हैं। तो संपुट रह जाएंगे बीच में दुर्गा सप्तशती। अगर मंदिरों में नवरात्र थोड़ा भी गलत सलत अगर हो तो उस गांव में राक्षसी शक्ति भयंकर भयानक उत्पन्न हो जाएंगे। उत्पन्न का अर्थ होता है नवरात्र में 84 लाख अदृश्य योनि सब इंतजार में रहते हैं कि दुर्गा देवी के मंदिर में नवरात्र हो रहा है और हम यह हवन यज्ञ अग्नि से मंत्र उठा के ले जाएंगे और मंत्र उठा के ले जाएंगे। आप सोचो कि दुर्गा देवी उन्हें रोक दे, दुर्गा देवी किसी अदृश्य शक्ति को नहीं रोकती। जैसे कि विष्णु भगवान के भक्त बन के गया असुर और भगवान विष्णु ने उनको वरदान दे दिया और उसी वरदान के चलते आज तक बिहार झारखंड गया जी में गया असुर का ही पूजन हो रहा है भगवान विष्णु चरण पर। बहुत कुछ इतिहास रहस्य है। तो 90% लोग आप तंत्र से बंधन है, तंत्र रातों रात खुल नहीं सकता। माँ के गर्भ में जब मैं था तब से मेरा तंत्र मेरे शरीर में प्रयोग किया गया 2001 तक लास्ट। 2001 को मेरे शरीर में ऐसे तंत्र प्रयोग किए गए थे, नाग तंत्र और इच्छाधारी नागिन, मुझे टुकड़े टुकड़े में काट दिया गया था। तो जितना मैंने कोर्स दिखाया, जितना लॉक दिखाया, वह सभी कोर्स मैंने किया है पूर्ण। तो बीमारी यह तंत्र है, बीमारी यह तंत्र है। और हम कई बार मैंने कहा है कि नवरात्र जो अनुष्ठान हो रहे हैं देवी मंदिर में, ये खिलवाड़ कर रहे हैं, गुड्डा गुड़ियों का खेल, नवरात्र इनका सिद्ध नहीं हो रहे हैं, बहुत फॉल्ट है वहाँ, बहुत फॉल्ट है। ऋषि मुनियों ने यूं ही मंत्र लिख के नहीं छोड़ दिए हैं। आप जिस गांव जिस शहर में रहते हैं, हमने बार बार कहा है वहां दुर्गा मंदिर है तो गांव का कमेटी कभी भी मत बनाना। गांव का कमेटी अगर बना देते हो तो दुर्गा देवी कभी भी जागृत नहीं होगी, नंबर एक। नंबर दो, जब नवरात्रि हो तो हमने जो देवी देवता कहा ये तो सब कनेक्ट है, ये कनेक्ट होने से ही इसके श्राप हटेंगे, लॉक खुलेंगे, सब कुछ।
और मुख्य देखिएगा, आप वर्ल्ड के अंदर किसी भी गांव शहर में रहते हो तो वह जो मंदिर देवी दुर्गा का है, वहां जो व्यक्ति श्रमदान दिया हो मंदिर निर्माण से प्रतिष्ठा तक, वह व्यक्ति दुर्गा देवी से डायरेक्ट बात कर सकता है, दुर्गा देवी उसको वैसा शक्ति प्रदान करती है। तो पहले आपके गांव शहर में देखिए, जिसने मंदिर में श्रमदान दिया है प्रतिष्ठा तक, अगर वह जीवित है तो नवरात्रि में, हर नवरात्रि में सर्वप्रथम वह श्रमदानी देवी के सम्मुख जाके एक नारियल, एक त्रिशूल और एक दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ वह भेंट करेगा, और वह श्रमदानी व्यक्ति प्रार्थना करेगा कि हे देवी, ये नवरात्र सिद्ध कीजिए, तभी नवरात्र सिद्ध होंगे। अगर मान लो वह श्रमदानी व्यक्ति जीवित नहीं है, मर गया हो, तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य के हाथों यह हर नवरात्रि में करवाना जरूरी है, नहीं तो नवरात्र आपका काम नहीं करेंगे। आप अगर सोचो कि बनारस से हम पंडित बुला के ले आए, नवरात्र सिद्ध हो ही नहीं सकता। बरगढ़ से पंडित बुला के ले आए, नवरात्र सिद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंत्र ये ब्लास्टिंग प्लांट है, रिफाइनरी के लिए सिविलिंग में ही जाएंगे। तो दुर्गा सप्तशती यह 2001 को मेरे आत्मा में सिद्ध है, और तंत्र के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता। हाँ, एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये जो दुर्गा सप्तशती है ये फिल्म नगरी है। फिल्म नगरी कैसे हुआ? मेरा जन्म 1971 में हुआ। जन्म से पहले पिताजी का बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत बहुत बिजनेस था, गुड़ाखू फैक्ट्री, चॉकलेट फैक्ट्री, राइस मिल, चूड़ा मिल, तेल मिल, आटा चक्की, धान चक्की, बिस्कुट फैक्ट्री, मोमबत्ती, बहुत कुछ बनाते थे। तो पिताजी एक गुलाब जी का मकान खरीद लिए, तो जिस मकान में पिताजी रहे वहाँ पहले से नाग तंत्र, नाग फांस से मकान बंधा हुआ था, नाग फांस से, तंत्र से, भूत प्रेत राक्षस शक्ति, रात को भोजन बनाते थे, भोजन खा जाते थे। ये मेरे जन्म से पहले। तो पिताजी का बिजनेस बहुत अच्छा चला, एक रुपया कभी नहीं रहा। फिर तो वह मकान हमने बेच के 2012 को नया मकान में चले गए। तो देखिए कहाँ 1965 और कहाँ 2012। तो दूर के रिश्तेदार मेरे जन्म से पहले वह पिताजी के पास आए, दूर के रिश्तेदार, बोले पिताजी को बोले कि क्या हाल चाल है। पिताजी बोले जितना भी पैसा कमाता और रहता नहीं है। तो दूर के रिश्तेदार ने कहा कि मैं ऐसा एक पूजन सामग्री ला के दे रहा हूं जिससे कि घर में पैसा बढ़ेंगे। तो पिताजी को तो मालूम नहीं था तंत्र मंत्र क्या होता है। तो वह रिश्तेदार 1965 मेरे जन्म से 5-6 वर्ष पूर्व पिताजी को एक सामग्री ला के दिए। तो पिताजी बोले इस सामग्री का क्या करना है। बोले आपके घर के पीछे जो खाली जमीन है, जमीन के नीचे दबा दो और वहां एक लेमन का पेड़ लगा दो। वहां लगा दिए लेमन का और कुछ कुछ पेड़। और हमारे 4 एकड़ जमीन था गांव के बाहर, वहां एक सीपो का मोटा पेड़ था। बोले पेड़ के नीचे दबा दो। पिताजी बोले दो जगह पे क्यों? बोले ये 4 एकड़ जमीन में जो मिल है आपका, यह पैसा देगा और घर में एक दबाओ तो पैसा बढ़ेगा। पिताजी हाँ बोले। 1965 में मोरापा को एमती बोंदा है थे, हम दूर रिश्तेदार रिलेटिव मोहर उड़ीसा। तो पिताजी दबा दिए। दबाते ही उसके बाद से हमारा घर का जो तिजोरी है वह बंद हो गया, मन बंद गया तिजोरी, धन आए एक रुपया ना रुके। तो पिताजी जाते थे मुंह पट्टी वाले बाबा जो होते ना, जो चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धे मंगलम, साहु मंगलम, केलोली पड़क, धम्मो मंगलम जो बोलते हैं, उनके पास बहुत जाते थे। तो उनको तो इतना ज्ञान है नहीं, उनके आचार्य महाचार्य को तंत्र क्या होता है उन्होंने कभी नहीं बताया। तो शिव जी ने एक ऐसे आत्मा को इनके घर में भेज दिया जो कि मेरे शरीर में, बोले ये लड़का इनको भी खोल देगा
और विश्व में दुर्गा सप्तशती का प्रचार करेगा। तो जब मैं माँ के पेट में था तो वह पिताजी के दूर के रिश्तेदार को मालूम चल गया कि इनके गर्भ में एक ऐसा एक संतान जन्म हो रहा है जो कि इनको खोल देगा। तो माँ के पेट से ही मुझे बंधन करवा दिया। आप लोग भी सब बंधन में ही हो, माँ के पेट से बंधन करवा दिया। 71 में मेरा जन्म हुआ, 1971 जन्म हुआ, 1971 चार साल की उम्र में फिर उसने मुझे तंत्र में बंधन करवा दिया, क्योंकि चार साल की उम्र में मैं राजकुमार के जैसे दिख रहा था 3-4 साल की उम्र में। तो उसने क्या क्या अच्छे से बंधवा दिया और मेरे मूलाधार चक्र के ऊपर गुप्त अंग में एक बिच्छू को बांध दिया, डंक मारते रहो इसको, ये सोता रहे। ऐसे होते होते माँ भवानी दुर्गा, एक चमत्कार हुआ यज्ञ अग्नि से, वहां देवी दुर्गा का हाथ दोनों निकला और मेरे को खींच के ले गई, बोले बेटा मंदिर बना। तो मुझे तब भी नहीं मालूम था कि हम लोग सब तंत्र में बंद हैं। तो मंदिर में रहा तो दिन भर लेबर लोग काम करते थे। मैं दुर्गा सप्तशती का पुस्तक लिया, मैं बोला कि दुर्गा देवी का मंदिर बन रहा, मंदिर बनने के बाद हम लोगों को क्या बतलाएंगे, क्या सिखाएंगे। अब मैं एक एक अक्षर पढ़ता गया, इसका कोई शुद्धोच्चारण जरूरत नहीं है, एक एक अक्षर मैं पढ़ता गया। पढ़ते पढ़ते देवी जो है सरस्वती का वरदान, क्योंकि मैंने वरदान मांगा था देवी से, दुर्गा से प्राण प्रतिष्ठा के बाद, कि मुझे तो यही पुस्तक चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ जीवन भर रहना है, शादी वगैरह करवाना था नहीं, इतना मैं भाव विभोर हो गया। मौला भव्य मंदिर और 96 से देवी से बात करने लगा। तो बहुत कुछ राक्षसी शक्तियों ने भी मैंने मारे हैं दुर्गा के शक्ति से। तो देवी दुर्गा बताती गई, इसका लॉक खोलने के लिए शिव मंदिर जाओ, नवग्रह का यज्ञ करवाओ, गायत्री का यज्ञ करवाओ, कामरूप कामाख्या देवी जाओ, विष्णु यज्ञ करवाओ, रुद्राभिषेक नमक चमक यज्ञ वगैरह सब मैं कोर्स करता गया। क्यों? बोला देवी इतना सब करने के बाद भी हम परेशानी क्यों? बोले अभी एक फिल्म दिखाई जाएगा तेरे को, दुर्गा को ले गोटे फिल्म देखेगी, फिल्म मतलब फिल्म का ऐसा, बोले इसके अंदर एक मंत्र है और हम सिद्ध दे देंगे। तो दुर्गा सप्तशती जो मैंने 2001 को सिद्ध किया उसी मंदिर में, तो राक्षसी शक्ति अच्छे से मेरे को परेशान किए हैं। राक्षसी शक्ति 10 लाख से तो ज्यादा इच्छा धरे नागरा। तो इसमें एक मंत्र दुर्गा देवी नमस्ते में सर्व कामर शादी का मैं सिद्धि में सिद्धि हुआ, स्वप्न सर्वम प्रसाद दुर्गा देवी सिद्धि दे दी, क्योंकि लॉक वगैरह श्राप वगैरह सब में खोल दिया था दुर्गा जैसे जैसे बताई। तो वहां देखा 1965 मेरे दूर के एक रिश्तेदार हमारे घर में आए और पिताजी और वह रिश्तेदार दोनों जाकर सिपो गज के नीचे दबा रहे हैं। तो फिल्म दिखा, सुबह में गया सिपो गज के नीचे, मैं बोला यही है, एक ब्राह्मण देवता को बुलाया, वहां हवन करवाया, ब्लास्ट हो गया। रात को 12 बजे वहां से राक्षसी शक्ति मेरे घर में पहुंचे गला दबाने के लिए, बोले तूने खोला। तो मेरे यहां गला तक वह हाथ भी उनका नहीं आ पाया और मेरे खटिया का साइड खड़े हो गए बहुत खूंखार। तो दुर्गा देवी तो सिद्धि दे दी थी। तो यह चमत्कार है दुर्गा सप्तशती में। आप आज अगर कोई यज्ञ में शामिल होते हो तो 1 सेकंड में पहले परिवार सुरक्षित, तंत्र बंधन यूं नहीं खोलते, आपके पूरे 7 चक्र पूरे परिवार को बांधा गया है, करोड़ों 90% परिवार तंत्र से बंधन हो, जितना हो सके चलते फिरते घूमते गायत्री महामंत्र जप कीजिए, ओम भूर्भुवस्तुः सर्वं भर्गोदेवस्तुमिति देवं प्रचोदयात्, विष्णु सहस्र नाम का पाठ कीजिए और अपने अपने घर के शिवलिंग में नहीं, अपने अपने क्षेत्र के शिवलिंग में जाइए, वहां अपने अपने हाथों से जल चढ़ाइए। बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, बीमारी यह बिल्कुल नकारात्मक ऊर्जा, मेरे 24 घंटे अखंड चलते रहते हैं। अभी यह अगस्त महीना, सेप्टेम्बर महीना, शनिवार को ये सिद्ध होते हैं। सेप्टेम्बर महीना हमारा प्लानिंग चल रहा है, 21 और 22 तारीख, शायद 21 तारीख शनिवार है सितंबर। तो जैसे पितृपक्ष में विष्णु का यज्ञ श्रेष्ठ होता है, तो 24 घंटा हमारे अखंड यज्ञ चलेंगे, उसमें बगड़ामुखी श्री गणेश, नवग्रह भगवान विष्णु,
सूर्य, शिव, रुद्राभिषेक, नमक चमक, दुर्गा, सप्तशती, सरस्वती, विष्णु सहस्त्र नाम बहुत ही मेल्ट किया जाएगा 24 घंटा वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी रहें। यह 24 घंटा अखंड हवनात्मक महाअनुष्ठान नवग्रह का बहुत पावर दिया जाएगा। काल सब दोष के लिए रखें सतर्कना और सिद्ध करने के लिए हम कोशिश करेंगे दुर्गा सप्त सत्य से दुर्गे स्मृता हर सी में शेष जान तो शास्त्र सुमता मति मति तो यह सब विष्णु सहस्त्र नाम से यह होगा। अनुष्ठान प्लानिंग चल रहा है, पैसा का अगर व्यवस्था हो गया तो हम लोग करेंगे। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी नाम दे सकते हैं, समरपुर के नजदीक बरगढ़ नागन पाली शिव मंदिर के सम्मुख दुर्गा सप्त सती हाई पावर काम करता है। शिव मंदिर में, गायत्री मंदिर में, विष्णु भगवान के मंदिर में और दुर्गा देवी के मंदिर में, और श्रेष्ठ होता है पितृपक्ष में। तो वर्ल्ड के अंदर आप कहेंगे अपना जन्म कुंडली किसी को ना दिखाएं, जहां दिखाओगे वहीं फंसोगे। और दुर्गा देवी मंदिर कमेटी, आपके गांव में दुर्गा मंदिर है, कमेटी को डिजॉल्व कर दीजिए, नहीं तो वह देवी जागृत नहीं होगी। यहां का लॉक दुर्गा बता दी कि सुनील ऐसा ऐसा खोल, श्राप लॉक 10 लाख, इच्छाधारी नाग रमते गए। उसके बाद जीवन मेरा अच्छा फिर भी चलने लगा। फिर 2001 को एक हमारे कोई मित्र होंगे मुझे मारने के लिए नाग तंत्र अग्नि अस्त्र छोड़ दिए। मैं 2023 को उससे भी खुल गया हूं। तो मुझे स्पेशल भेजा गया है इस धरती पे, देखो दुर्गा सप्तशती सब आशीर्वाद ले लोगे, बहुत आसान है। हवन के माध्यम से सिद्धि कोई माई का लाल नहीं कर सकता, सिद्धि 100-100 वर्ष लग जाते हैं धुनी रमाने वाले बाबाओं को, इतना आसान नहीं है। तो दुर्गा मंदिर में जितने भी कमेटी बैठे हो आप संभल के रहो, फंस जाओगे। और दुर्गा मंदिर में जो पंडित बैठा, हम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, उस पंडित को कुछ भी नहीं मालूम। दुर्गा देवी मंदिर में वेद का हवनात्मक झंका, महाकालिका देवी पानी का खारू बलि, महालक्ष्मी देवी विष्णु यज्ञ, महासरस्वती देवी रुद्राभिषेक नमक चमक यज्ञ, यज्ञों से खुलते हैं ताला लॉक। जीवन में जैसा दुख संकट सम, बीमार आदमी तो 100% बिना दवाई ठीक होगा 100%। रुद्राक्ष का पहले माला पहनो, पैसा जिसको चाहिए सिर्फ विष्णु 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 को पकड़िए। महीना में एक दिन जाइए शिवलिंग में जल चढ़ा दीजिए और विष्णु को पकड़े, विष्णु सहस्त्र नाम हवन हवनात्मक सिर्फ विष्णु।